ये वीडियो स्टार्ट करते हैं मलेशिया के क्लाइमेट से। मलेशिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, जिसका मतलब यहाँ पर ह्यूमिडिटी और गर्मी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। बट उसका एक एडवांटेज ये भी है कि बारिश भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि आजकल वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबल है, जब यहाँ आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो इसका मतलब यहाँ बारिश होने वाली है और आप तैयारी पकड़ लें। मेरी एडवाइस यही होगी कि आप यहाँ पर लाइट वेट ब्रीदेबल कपड़े पहनें और अपने साथ एक रेन जैकेट ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है, स्पेशली क्योंकि आजकल वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबल है। वैसे तो इधर मॉल्स वगैरह बिल्डिंग्स में हर जगह एयर कंडीशनिंग है, तो उसका आपको कोई मसला नहीं होगा, आप वहाँ पर फैंसी क्लोथ्स पहन सकते हैं। कुआलालंपुर दिखने में ऐसा लगता है कि सिर्फ बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बट एक्चुअली यहाँ पर पार्क्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि KLCC पार्क, परदाना बोटैनिकल गार्डन, तमन टूगू और बुकित नानास फॉरेस्ट रिजर्व। अगर आपको ग्रीनरी का बहुत शौक है तो यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट। और ये सारे पार्क्स की कोई एंट्री फी नहीं है। अब बात कर लेते हैं मलेशिया के आइलैंड्स की। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट पिनांग लंगकावी आइलैंड्स इन मलेशिया, बट मेरे फेवरेट आइलैंड्स बोर्नियो साइड पे हैं, जो ईस्ट मलेशिया है। सबा सरावाक स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन द पॉपुलर आइलैंड ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो दुनिया का इकलौता आइलैंड है दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय 3 कंट्रीज, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रुनाई। लेट्स टॉक अबाउट सबा। सबा इज नोन फॉर इट्स स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी। सबा में आपको बहुत सारे रेन फॉरेस्ट और बीचेस मिलेंगे। माई फेवरेट वंस आर गाया आइलैंड एंड माबुल आइलैंड। नॉट जोकिंग, यहाँ का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था जब मैं गया था लास्ट टाइम। सबा में माउंट किनाबालू भी है, जो साउथ ईस्ट एशिया की हाइस्ट पीक है और जो दुनिया में हर जगह से लोग आते हैं क्लाइंब करने के लिए। यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ बहुत नज़र आएगी और इधर जंगल ट्रैकिंग और वाटर एक्टिविटीज़ लाइक डाइविंग, स्नॉर्कलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। सबा इज़ रिच इन कल्चरल डाइवर्सिटी। यहाँ पर आपको मोर देन 30 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे, इंडिजिनस पीपल लाइक कडाजान, डोसोन, बजाओ, मोरोत। यहाँ पे आपको बहुत यूनिक कल्चर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सरावाक की। सरावाक मलेशिया की लार्जेस्ट स्टेट है। इट इज़ नोन फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड इंडिजिनस ट्राइब्स। यहाँ पे आपको बहुत नेशनल पार्क्स मिलेंगे जहाँ पे आप जंगल ट्रैकिंग, केविंग और वाइल्ड लाइफ वॉचिंग कर सकते हैं। यहाँ भी आपको बहुत यूनिक कल्चर मिलेगा, जो मिक्स है विद इंडिजिनस डायलेक्ट ट्राइब्स, मले, चाइनीज एंड अदर एथनिक ग्रुप्स। कैपिटल सिटी ऑफ सरावाक इज कुचिंग। इट्स अ वाइब्रेंट सिटी एंड हैज़ अ रिच कॉलोनियल हिस्ट्री। यू कैन विजिट सरावाक कल्चरल विलेज टू लर्न मोर अबाउट द डाइवर्स कल्चर ऑफ द स्टेट। बहुत लोग ईस्ट साइड ऑफ मलेशिया को स्किप कर देते हैं, स्पेशली टूरिस्ट वगैरह जिनको वहाँ की ज़्यादा नॉलेज या अवेयरनेस नहीं होती। बट आई वुड हाईली रिकमेंड गोइंग टू ईस्ट साइड ऑफ मलेशिया, क्योंकि वहाँ पर जो ब्यूटी है वो इवन वेस्ट साइड से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब आप वहाँ पर माउंट किनाबालू देखेंगे और क्रिस्टल क्लियर पानी देखेंगे तो आप सही में देखते ही रह जाएंगे।